ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡಲ್ಲ ಮಾಮನಿಗೆ ವೇಟರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೈ ಚಾಯ್ ಲೇ ಅವ್ರು ಚಾಯ್ ಲೇ ಮನೆಗೆ ಈಗ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಕುಚ್ ಕರ್ತಾರೆ ನೈ ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಭೀ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಮನೆಗೆ ಸಾರೆ ಹರ್ ಜಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಹೋಗ್ಯಾ ವಹಾಂ ತಕ್ ತುರ್ಕಿ ತಿ ಅಬ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೋ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೆ ಉಪರ್ ಏಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಮೇಡಿಯನ್ ಅಪ್ನಿ ಬೀವಿ ಕೋ ಹಸಾ ರಹಾ ಹೈ ಕಾಮ್ ಪೇ ಸೇ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಬೇಚಾರೆ ಕಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಲಗಿ ಪಡಿ ಹೈ ಕೆ ಚಲೋ ಜಾನೋ ಹಸಾ ಹೂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਤੋ ਠੀਕ ਥਾ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲਾਏ ਵੀ ਸਪੀਡ ਮੇ ਕੂਦ ਪੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਨ ਤਮਾਮ ਕਲਾਕਾਰੋ ਕੇ ਲਿਏ ਮੈਂ ਔਰ ਹਮੇ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹਮ ਅਸਲ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਓ ਸ਼ਿਟ ਸ਼ਿਟ ਇਹ ਥਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਸੁਰ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਮੇਡੀਅਨ तो ये हमारे लिए फक्र की बात है वहां तक ठीक था एक जगह पे एक महिला स्टैंड अप कॉमेडियन और एक पुरुष ये दोनों की शादी हो गई दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन सोचो क्या हाल हो ये दोनों की शादी शादी हो गई पहली रात महिला स्टैंड अप कॉमेडियन बिल्कुल उसी स्टाइल में बैठी है दुल्हन वाला जो एक होता है वो घूंघट गिरा वो दूल्हा बड़े शान से आ गए दुल्हन भौजी दूध तो पी लीजिए बंदे ने दूध उठाया कटाक चलिए कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक आइटम सुनाऊं दुल्हन ने घूंघट उठाया यहां से आइटम सुना है एक हाथी था एक घोड़ा था ये था वो था रुको मैं भी आइटम सुनाती हूँ इसने भी आइटम सुनाया इसने चार आवाज सुनाई उसने छह आवाज सुनाई इसने पांच आवाज सुनाई इसने सात आवाज सुनाई तो सिलसिला बदस्तूर सुबह तक जारी रहा इसने चार सुनाई इसने पांच सुनाई दोनों ने एक दूसरे के परफॉर्मेंस पे खूब दाद दी बाद में आया अबे आज तो सुहागरात थी शौकीन होंगे बड़े है ना जरूर क्या अर्ज थोड़ी कर रहा हूँ जरूर मतलब आए मुशायर में आए रंग ना बदलो शो का कॉमेडी शो है फिर भी चलिए आपके लिए नेक्स्ट शो में सुना आप लोगों को पता है गालिब साहब बहुत बड़े शायर हमारे गुजरे हैं ये एक दफा अपनी बेवफा महबूबा के घर के सामने सुसु करते पकड़े सुसु करते बोले कहानी घर घर की मैंने बहुत बार देखा सुसु करते समझ के लिया था सुसु मतलब बहुत सुसु मतलब जो वॉशरूम में जाके करते हैं सुसु करते पकड़े गए दो दिन हो गए तीन दिन हो गए चौथे दिन महबूबा करके बाहर आई छी क्या है बाबा रोज आते मेरे पेड़ों को पानी देके निकल जाते हो गंदे वाली साहब उनका स्टाइल में जवाब दे मैं तेरे पेड़ों को पानी नहीं दे रहा ये तो मेरे आंसू हैं जो निकल रहे हैं रास्ता में जल रहा इनका एक फैन पैदा हो गया बड़े वाला फैन ये सुसु करते थे ये पॉटी करके आए नहीं बता सकते फैन मैं घर आता हूँ भाई फिर बजा लेना सामने वो फैन ये पॉटी करके ये सुसु करके निकले पॉटी करके निकला बेवफा महबूबा घर के बाहर है छी क्या कर रहे हो अभी मेरे घर के सामने स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ो शौचालय बनाओ जहां शौच वहां शौचालय अब वो जवाब दे रहे मैं पॉटी नहीं कर रहा ये तो मैं बता रहा हूँ तेरे बिना भूखा नहीं मर रहा एक्चुअली चक्कर क्या है ना वो सुना देता हूँ चक्कर क्या है मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े कवि हमारे जिन्होंने कवि की कवि कविताओं की दुनिया में एक बड़ा नाम किया मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का कि ऐसा उस्ताद मुझे मिला
और भाई आपकी फरमाइश है तो मैं दो लाइनें एहसान कुरैशी के अंदाज में सुनाता हूँ, अगर पसंद आए तो तालियां जरूर बजाना। एक मरतबा एक शो में हम लोग साथ में थे, मैं और भाई स्टेज के आसपास, मैंने कहा भाई मैं आजकल आपके स्टाइल में सुना रहा हूँ, नितिन भाई मैं आजकल आपके स्टाइल में सुना रहा हूँ और थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ। तो भाई ने कहा ठीक है सुना, तो क्या सुना रहा है? तो मैं शुरू हो गया हूँ, तो मैं भी लाड़ में आ गया, आज मलाड़ में कि पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है, पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है, और मोहब्बत करना है तो गले से लगाओ, इशारों में क्या रखा है। भाई ने मुझसे बोला यार गजब की लाइन तूने सुना दी, एक काम कर आखिर की दो लाइन बदल दे, सिर्फ लड़के पूरा देश तुझसे प्यार करे। तो मैंने कहा भाई ठीक है आप ही सुनाओ। अब भाई शुरू हो गए, पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है, पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है, और मोहब्बत करना है तो देश से करो, सिर्फ लड़कियों में क्या रखा है। नहीं ये वाली फीलिंग सिर्फ एहसान कुरैशी की, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, देश से भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी। अरे सर तेरा घर पर बेटा पैदा हुआ है, अपार्टमेंट को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया, बहुत मुबारक तेरे को तेरे घर पर बेटा पैदा हुआ सर। अरे नहीं यार नमस्ते, एक्चुअली हम लोगों का पहले से प्लान था कि बेटा पैदा हुआ, मगर हमने को एक बात समझ में आ गई, क्या नॉज है क्या नहीं समझ में, तेरा बेटे का नाम तुमने तैमूर रखा, तेरा पिक्चर में तेरा बेबी काम किया तलाश में, मेरा नाम रख दिया तैमूर, और तेरा बेबी ने रावण पिक्चर में भी काम किया था शाहरुख के साथ, रावण के लिए रखा।